रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को उदयपुर के समोर बाग पहुंचकर मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार सदस्य और पूर्व सांसद स्वर्गीय महंत सिंह मेवाड़ के पार्थिव देह पर श्रद्धासुमन अर्पित किया है और इस दौरान सीएम शर्मा ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों को संतावना दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। इस दौरान मौके पर सांसद मदन राठौर और सांसद सीपी जोशी, विधायक ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा, श्रीचंद कृपलानी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। जरा उधर भी आवाज जाए और जिनको आप सुनाना चाहते हैं उनके कानों में आवाज जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अरे पीछे वाले बताओ, उनके कानों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? आज से उनकी नींद खराब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जोरदारी से दोनों हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ खड़े करिए। अरे ये पंजा मत दिखाइए, पंजा ने तो देश को कर दिया गंजा। ये हनुमान जी वाली मुष्टिका बनाइए, हनुमान जी वाली मुष्टिका बनाइए, मुट्ठी बांधिए, जोर से मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। सवा शेर शीशा पीकर सत दिखाने वाले हमारे संत सती सुरमाल महाराज की, बुरे डियानी मानू रेनी मानू गीत से अंग्रेजी हुकूमत को ललकारने वाले हमारे संत गुरु गोविंद गुरु महाराज जी की, जिन्होंने अपने अखंड ज्ञान से वर्तमान के कालखंड की भविष्यवाणी करने वाले ऐसे संत मावजी महाराज की, शिक्षा की अलग जगाने वाले नानाबाई खाट की, शिक्षा की देवी वीर काली बाई की, मानगढ़ धाम की, त्रिपुरा सुंदरी की, बेणेश्वर धाम की, आप सबकी। आज के इस 84 की चुनावी सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौर जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आपके जाने पहचाने चित्तौड़ के सांसद सम्माननीय सीपी जोशी साहब, आपके जो अभी आपने सुना, जिनके मन में आदिवासियों की हमेशा चिंता लगी रहती है, वो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे मेरी कैबिनेट के साथी भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानित सुन्नीलाल जी गरासिया साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार जी, हमारे विधायक सागवाड़ा के शंकरलाल जी नेता साहब, हमारे पूर्व सांसद और आदिवासी नेता पूर्व मंत्री भाई महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, कैलाश जी मीणा साहब, सुशील जी कटारा साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाली से विधायक भाई पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत जी, प्रदेश के मंत्री मिथिलेश गौतम जी, प्रदेश की मंत्री अनीता कटारा जी, जिले के प्रभारी कमलेश पुरोहित जी, हेमराज मीना जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, हगरू महिडा जी संभाग प्रभारी, नारायण जी मीणा प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा, कांतिलाल जी डामोर साहब प्रदेश उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा, चंपालाल जी गेदर साहब, कनकमल जी कटारा हमारे पूर्व सांसद साहब, मान शंकर जी निनामा पूर्व सांसद साहब, भीमा भाई पूर्व संसदीय सचिव, सूर्य आहारी जी जिला प्रमुख, सीता देवी आहारी उप प्रधान सिंबलवाड़ा, धन सिंह जी रावत साहब पूर्व सांसद, लाभ चंद जी जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा,
समस्त सरपंचगण एवं प्रतिनिधि जालम सिंह जी, रामलोत साहब पूर्व विधायक और हमारे सबसे प्यारे, अरे मुझे पता है कि कारी लाल जी के बारे में जब मैं पिछली बार आया था तो आपने बताया था कि कारी लाल जी वो व्यक्ति है, चाहे कोई सुबह जाए, दोपहर में जाए, शाम को जाए, रात में जाए, अपने सारे काम छोड़ करके जनता की सेवा में लगते हैं, आपकी सेवा में लगते हैं, ऐसे हमारे प्रत्याशी कारी लाल जी साहब मेरे सामने बैठे इस 84 विधानसभा के मेरे पूजा योग्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी को अभिवादन करता हूं। मुझे पता है कि मैं यहां आज जिस भूमि पर खड़ा हूं, यह 84 के गांव गांव में संतों की वाणी और उनके उपदेश देने को जन जन तक पहुंचाने वाली वो भजन मंडलियां जो हैं, मैं उन भजन मंडली में जो हमारे लोग हैं उनको भी नमस्कार करता हूं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। यह वो भूमि है जो आदिवासी योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में मातृभूमि के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं इतिहास के उन सभी शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा इतिहास आज का नहीं है, हमारा इतिहास पुराना है। हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया था, और वो भी संघर्ष इतना कि उन्होंने कितने बलिदान दिए थे, ऐसे उन सभी बलिदानियों को मैं नमन करता हूं। मैं तो हमेशा बागड़ की इस धरती पर आता रहा हूं, प्रकृति की कोख में बसा यह बागड़ राजस्थान के मस्तक पर मुकुट के समान है, और मुकुट के समान इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है, पानी की प्रचुर मात्रा है। मैं इसलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूं कि जब से हमारी 11 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, अगर सबसे ज्यादा अगर मैं आया हूं तो इस बागड़ की धरती पर आया हूं, बागड़ की धरती पर आया हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमने अपनी सरकार की प्राथमिकता बागड़ की धरती को प्रथम स्थान दिया है। भाजपा की सरकार राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हमने सरकार बनने के साथ हरेक क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि 84 विधानसभा क्षेत्र में पानी के लिए हमने बजट की घोषणा की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मेरे पास गया था क्या? आप में से कोई गया था क्या? अगर उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तक वो जनप्रतिनिधि एक भी दिन मेरे पास नहीं आए, एक भी दिन मेरे पास नहीं आए। लेकिन मैंने 125 करोड़ की लागत से सोम कमला अम्मा भीकाबाई सागवाड़ा फीडर परियोजना की घोषणा की है। इसमें सागवाड़ा तहसील हेतु सोम कमला अम्मा बांध के अधिशेष जल को फीडर के माध्यम से लाया जाएगा, इससे माही के टेल तक पानी पहुंचेगा और 84 को इसका लाभ मिलेगा। उदयपुर के लिए देवास परियोजना, पूर्वी राजस्थान के लिए ERCP की योजना, शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता हमारी राजस्थान की पानी की प्राथमिकता रही है। अगर मैं रोजगार की बात करूं, क्योंकि युवाओं की बात आती है और मैं चाहता हूं कि युवाओं की बात आती है तो आपने देखा होगा हमने 2 साल का कैलेंडर जारी किया है। हमने कहा है युवाओं से आप मेहनत करिए, आपको रोजगार मिलेगा। 5 साल में हमने 4 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया है, और इस साल हमने पहली साल में 1 लाख नौकरियों का वायदा किया है। 33,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, आने वाले समय में लगातार आपको नियुक्ति पत्र हमारे युवाओं को मिलेंगे, और आने वाले समय में 1 साल में, आज मैं आपसे कह रहा हूं, 1 लाख नियुक्ति देने का काम हमारी सरकार करेगी।
आपने देखा होगा कैबिनेट में अभी हमने 90,000 वैकेंसियों को मंजूरी दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने जब मेरे पास आया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 60,000 पद खाली हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये 60,000 पद क्या 11 महीने में खाली हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 11 महीने में खाली हो गए? ये रिक्तियां क्या 11 महीने की हैं? 23,000 सफाई कर्मियों की नियुक्तियां क्या 11 महीने की हैं? 7,000 ड्राइवरों की भर्तियां क्या 11 महीने की हैं? मैं उन सरकारों से कहना चाहता हूं जिन्होंने उस गरीब का और किसान का दर्द नहीं जाना, उनके उन युवाओं का दर्द नहीं जाना, अगर ये 5 साल 4 साल 6 साल पहले अगर ये हमारे उन युवाओं को नौकरी दे देते तो इनका क्या जाता, मैं ये पूछना चाहता हूं। क्योंकि इनकी नियत में खोट था। कांग्रेस ने हमेशा इसी तरह का काम किया है, उसने झूठ और लूट की राजनीति की है, उन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है, इसलिए वो किसान के उस बेटे को, मजदूर के उस बेटे को रोजगार नहीं देना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे जब 11 महीने पहले हम आपको बीच में आए थे वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए, हमारे संकल्प पत्र में हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए में सरेंडर देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी हमारी सरकार ने, और 1 जनवरी को 450 रुपए में सिलेंडर करने का काम हमारी सरकार ने किया, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 रुपए थी उसको 1,150 रुपए का करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, हमारी आंगनवाड़ी की जो बहनें थी उनकी भी 15% पेंशन बढ़ाने का काम किया। हमारे चाहे सरपंच हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, पंचों, उन सभी का भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए का काम हमारी सरकार ने किया। राजीविका के संकुल स्तरीय CLF की गतिविधियों का संचालन के लिए स्वयं के भवन की आवश्यकता हमने देखी और हमने उनकी घोषणा की, और मैं इस प्रकार से उदयपुर के सांसद द्वारा सलूमर विधानसभा क्षेत्र में सकल संगठन भवनों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति हमने जारी की है। उसी प्रकार से 84 में भी होने वाली है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसका भी हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा 15 नवम्बर को, क्यों आने वाले 3-4 दिन बाद 15 नवम्बर आ रहा है, 15 नवम्बर को आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी सरकार भी हर क्षेत्र में 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम करेगी, और 15 नवंबर को मैं भी किसी जिले में आऊंगा, इसको धूमधाम से इस गौरव दिवस को हम मनाएंगे। आदिवासी कल्याण के लिए हमने आदिवासी युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करे हैं। हमने TSP का जो फंड था 1,000 करोड़ रुपए का था, हमने उसको बढ़ा करके 1,500 करोड़ यानी कि 1,500 करोड़ का किया है। हमने वन अधिकार अधिनियम के तहत शेष रहे 2,566 प्रकरणों का निस्तारण किया है। मावाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10% बढ़ाया है। हमने 250 नए मावाड़ी केंद्रों की स्थापना करेंगे, ये भी हमने घोषणा की है। हम जल्दी डूंगरपुर में डूंगर बल्डा बांसवाड़ा में बासिया चारपोटा जैसे महान जनजातीय नायकों के स्मारक बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। हम उदयपुर में वीर बाल का कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करने जा रहे हैं। हमने राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को देह मेस भत्ता 2,500 रुपए से बढ़ा करके वो भी हमने 3,000 रुपए किया है। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में निर्धारित जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिए गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना की गाइडलाइन तैयार कराने के लिए उस कमेटी का भी हमने गठन किया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा था आपके यहां के अभी जो सांसद हैं, विधायक थे, पिछली बार में प्रदेश का महामंत्री हुआ करता था संगठन का,
लेकिन जब मैंने देखा टीवी पर खबर चल रही थी कि एक आदिवासी विधायक को कांग्रेस की सरकार के इशारे पर उनको जाकर के घेर लिया है और घेर करके उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, में कार्यालय में बैठा था, जब मेरे को मालूम पड़ा तुरंत गाड़ी लेकर के मैं वहां से निकला और जब मैंने वहां जाकर के देखा राजकुमार रोजी बाहर खड़े थे और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। मेरा कोई संबंध नहीं था, मेरा संबंध सिर्फ इतना था कि मेरे आदिवासी भाई को कोई परेशान कर रहा है, कांग्रेस के लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। तुरंत जाकर के मैं गया और उनको छुड़वाया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुलवाए और ये काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं इन आदिवासी भाइयों के लिए हमेशा से हमारी सरकार ने काम किया है और हमने काम किया है। आज वो इस तरह की बात करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे। अरे उन्होंने कुछ किया है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं 11 महीने हमारी सरकार को हो गए, लेकिन जिसकी वो बात करते हैं एक भी व्यक्ति मेरे पास आपके विकास के लिए आज तक कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। क्या करना चाहते हैं आप? इस क्षेत्र को क्या बनाना चाहते हैं आप? आदिवासी हितों के विरोधी लोगों की गतिविधियां हम छुपी नहीं है, हमें पता है। यहां से योजना मार्गन बनाकर लोगों को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और वहां के ब्रेन बात करके वापिस लाया जाता है। मेरे भोले भाले आदिवासियों को इस तरह से मत करिए, ये मेरे मैं कहना चाहता हूं। हे मेरे मुल्क के मालिक, जरा उठ खड़ा हो और ऐसे स्वार्थी लोगों को जरा देख लो, जो उनके बच्चे, किसी का उदयपुर पढ़ रहा है तो किसी का जयपुर पढ़ रहा है, किसी का सीकर पढ़ रहा है तो किसी का कोटा पढ़ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे उस गरीब आदिवासी के मेरे भाई बहन को, ये क्या सिखा रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? अरे आप तो अपने वोट के लिए गुजरात जाना चाहते हैं, आप गुजरात गए, वो मजदूर करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अरे भाई, जब यहाँ राजस्थान में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह जाएगा। कभी आपने आदिवासी भाइयों की चिंता की है क्या? आपने कभी चिंता की है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जरा संभलिए। ये वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और आपके बच्चों को दूसरे स्थान पर भेजने का काम कर रहे हैं। तो वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को इंडोनेशिया के बाली के विधानसभा सदन में कई दीर्घाओं और साथ ही भवन का अवलोकन किया है। देवनानी ने विधानसभा में चेयरमैन देवा मैड महायाद नया से शिष्टाचार मुलाकात की है और इस भेंट के दौरान दोनों के मध्य भारत और इंडोनेशिया की चुनाव प्रणाली, साथ ही संसदीय प्रणाली, संस्कृत भाषा, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध सहित दोनों विधानसभाओं की कार्यवाही और साथ ही कार्यप्रणाली, सदन संचालन और संसदीय परंपराओं और नियमों का विस्तृत चर्चा हुई है। वहीं देवनानी ने महायाज्ञया को बाली विधानसभा में सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए योग ध्यान अभ्यास कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। इसी के साथ देवनानी से बाली विधानसभा के चेयरमैन ने बाली के पर्यटन स्थलों पर भारतीय निवेश किए जाने का अनुरोध किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में महिला मतदाताओं के अधिक से अधिक पंजीकरण के लिए बानसूर उपखंड अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से 11 नवंबर को ग्राम पंचायत किशोरपुरा में सभी बीएलओ, एएनएम, जेएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, जहां पर उन्होंने मतदाता सूची में महिलाओं का अधिक से अधिक पंजीकरण करवाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित बीएलओ मौजूद रहे। तो वहीं बीकानेर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रमेश देव ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की है। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कई गतिविधियों का आयोजन करते हुए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति अत्यंत सोचनीय विषय है और इसके मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के कई विभागों के ओर से भी संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नशे की प्रवृत्ति के मद्देनजर पुलिस गश्त को और भी अधिक बढ़ाया जाए, संदिग्ध स्थानों पर नजर रखते हुए अधिक कार्रवाई भी करें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबों सहित अन्य स्थानों पर नियमित रूप से जांच की जाए, स्कूलों और कॉलेज में जागरूकता की कई गतिविधियां आयोजित की जाए। तो वहीं दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में सचिन पायलट ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री ममता भूपेश और विधायक घनश्याम मेहरा, विधायक अभिमन्यु पुनिया, पूर्व विधायक गजराज खटाना और साथ ही पूर्व विधायक ओम प्रकाश, हुडला जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओड़ और साथ ही हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी कनिका बेनीवाल शनिवार को बैराथल, कल्ला, माटपुरा और आचुड़ा, हैसाबा, पांचोड़ी, साटिका खुर्द और साथ ही खतोड़ा और जसनाथपुरा सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया है। कनिका ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुचेरा सभा की वजह से एक दर्जन गांवों और ठाड़ियों को दिन भर बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की नीतियों में किसानों का कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने सांसद हनुमान बेनीवाल और साथ ही पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल की ओर से करवाए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्राथमिकता ही जनता के विकास कार्य करवाना है। टोल मुक्त राजस्थान, कृषि के लिए मुक्त बिजली और किसानों की कर्ज माफी सहित दर्जनों जनहित के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। नागौर के अफसर मुख्यालय पर विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी कनिका बेनीवाल के समर्थन में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज का स्नेह और समर्थन समारोह आयोजित हुआ है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सभा को ऑनलाइन संबोधित करते हुए खेवसर के मतदाताओं को कनिका बेनीवाल के समर्थन में मतदान की अपील की है और साथ ही आजाद ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने हमेशा पीड़ितों की लड़ाई लड़ी और वहीं मिर्ता से पूर्व विधायक इंदिरा देवी बाबरी ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदैव बाबा साहब के आदर्शों का सम्मान किया है। पूर्व प्रधान पूनाराम मेघवाल, दलित नेता भजन सिंह, सीताराम नायक और नरेश नायक, पृथ्वी मेघवंशी, अनिल बारूपाल सहित कई नेताओं ने संबोधित किया है। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री और सनूबर जिले के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान हेमंत मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि सनलूबर जिले की जनता के संघर्ष और जनभावनाओं का भजनलाल सरकार ध्यान रखेगी। यह बात पूरी जिम्मेदारी और जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते भी सनलूबर की जनता से कह सकता हूं। वहीं प्रभारी मंत्री मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार बनते ही बीते एक साल में जिस तरह से भजनलाल सरकार ने सनलूबर जिले के विकास के लिए बजट आवंटित किया है उससे स्पष्ट है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सनलूबर के गांव-गांव और थाड़ी थाड़ी का विकास करने को भी प्रतिबद्ध है। वहीं मीणा ने यह भी कहा कि सनलूबर में स्वर्गीय विधायक अमृतलाल मीणा के 11 सालों में करवाए गए विकास कार्यों और केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार के विकास की विजन और साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत जनता विनाशकारी विभाजनकारी सोच को नकारेगी और विकास की बीजेपी की सोच को चुनेगी। लाबुडे में इतना ही। नमस्कार।